हर हर महादेव, ओम काली। तो प्रिय भगत जनों, आज आपको हम ऐसी विद्या बताएंगे, ऐसी साधना बताएंगे जिससे कि आप अपने जीवन में आप जो भी चाहते हो वह आपको मिल जाएगा। यह भोग आपको माँ काली का तैयार करना है, जो कि इस सृष्टि की एक बहुत ही उग्र और शक्तिशाली देवी हैं। वह शिव की पत्नी हैं और उनके रूप में जब क्रोध में आती हैं तो भगवान शिव के अलावा उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। और यदि वह प्रेम में भर जाएं तो सिर्फ आपके एक बार माँ पुकारने से ही आपके कष्टों का निवारण कर देती हैं और आपकी जीवन भर तक रक्षा करती हैं। तो यह होती हैं माँ काली। कई भगत इन्हें शक्ति के रूप में पूजते हैं, लेकिन जब शक्ति आती है, कोई ऊर्जा आती है, तो वह आपका लाभ भी कर सकती है और नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि शक्ति को नियंत्रित करना आपके बस की बात नहीं होती। आपके अंदर इतना बल, इतनी ऊर्जा नहीं होती कि आप उस शक्ति को चला सको और अच्छे से उसका उपयोग कर सको। उस समय आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, जो कि विशेषज्ञ और अनुभवी होना चाहिए। इसलिए आपको शक्ति के रूप की बजाय माता की एक माँ के रूप में पूजा करनी चाहिए। और माँ कभी भी अपने संतान का बुरा नहीं करती, इसलिए आप इसे माँ रूप में ही पूजें। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या सामान तैयार करना है इस भोग के लिए। एक तो आपको आटे का दीपक बना लेना है जिसमें चार मुख हों, और उसमें कलावे की जोत आपको लगानी है, 5 लौंग, 5 हरी इलायची और 5 कपूर आपको ले लेनी है। 1 पान लेना है आपको मीठा। पनवारी से बोलिएगा कि पूजा का मीठा पान बना दे, और आपको बतासे लेने हैं 5। इसके अलावा आप लड्डू बेसन के या फिर पेड़ा, इनमें से कोई एक चीज़ ले सकते हैं, वह भी संख्या आपको 5 ही रखनी है। तो अब इस पूरे सामान को लेकर आपको माँ काली के मंदिर में जाना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक कपड़े में इस पूरे सामान को बांध लें, या फिर किसी थैली में आप ले सकते हैं, आप किसी पन्नी में इसको ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में जिसमें आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। और जहां पर आप अपने घर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको इस भोग को वहां रखना है और हाथ जोड़कर अपनी कुल देवी और अपने पितरों को नमस्कार करना है, उनसे आज्ञा लेनी है, आदेश लेना है कि मैं माँ काली का यह भोग देने जा रहा हूँ, कृपा मेरे इस कार्य में आशीर्वाद दें। फिर आपको देवी काली से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपका भोग लेकर आपके मंदिर आ रहा हूँ, और आपको हाथ जोड़कर अपना माथा अपने माता के चरणों में रख देना है। फिर आपको इस भोग को लेकर मंदिर चले जाना है। सबसे पहले आप माता के दर्शन कीजिए, उनकी मूर्ति के सामने खड़े हो जाइए और हाथ जोड़कर जो भी कार्य आपको सिद्ध करना है, आपको धन की परेशानी है या आपको किसी नकारात्मक शक्ति की परेशानी है या नौकरी, जॉब, इंटरव्यू, व्यापार, कुछ भी आपको परेशानी है, सबसे पहले वह माँ को बताइए और उसके निवारण के लिए उनका आशीर्वाद मांगिए। अब आपको करना क्या है, आपको जो दीपक है चौमुखा वह जला लेना है। उसके बाद आपको जो 5 टिक्की कपूर की है वह जला लेनी है, और ये 5 लौंग हैं सबसे पहले उस कपूर में, जलते हुए कपूर में छोड़नी है और कहना है कि हे माँ, ये लीजिए आपका भोग। 5 लौंग डाल देनी है, 5 फिर उसमें इलायची डाल देनी है, और जो पान है उसमें से थोड़ा सा तोड़ के उस कपूर में डाल दीजिए, 1 बतासा उस पर आप डाल दीजिए, और जो लड्डू है या पेड़ा है उसमें से भी आपको ज़रा ज़रा सा तोड़कर उस कपूर में ही डाल देना है, और हाथ जोड़ लेने हैं माता के सामने, और इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। तो देवी काली का यह शक्ति मंत्र है, इसको आपको 21 बार वहाँ पर जप कर लेना है और माता को वो जो भोग है वह चढ़ा देना है। इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। तो यह माँ काली की एक ऐसी साधना है जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इसके लाभ बहुत हैं। हमने यह साधना अपने काफ़ी शिष्यों को दी है और लगभग उनके 90% कार्य इससे सफल हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, बात उनकी बन जाती है, क्योंकि देवी काली की शक्ति प्रचंड है।
आपके जीवन में छोटी मोटी जो समस्याएं आपको बहुत बड़ी और विकराल लगती हैं, माँ काली की इच्छा यदि हो तो एक फूंक से उन समस्याओं को हटा सकती हैं। तो आपको माँ काली की यह भोग यह देना है। आपको 3 शनिवार तक जाना है। इसके बाद जब आपका काम सिद्ध हो जाए तो आपको शनिवार को, लास्ट शनिवार को फिर जाना है और माता को धन्यवाद देकर यही भोग आपको फिर से दे देना है और अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जीना है। देवी काली के घर में रोज पूजा करनी है, उन्हें भोग देना है। जो आप खाते हो, आप रोटी खाते हो, आप चावल खाते हो, आप कुछ भी खाते हो, मीठा खाते हो, खट्टा खाते हो, आपको उसी से ज़रा सा टुकड़ा माँ काली के लिए भोग में दे देना है जो कि आप स्वयं खाते हो। तो इस तरह से आप उन्हें प्रसन्न रख सकते हैं। मंत्र जो ये है ओम क्रीम कलिकाय नमः, इसका आप निरंतर जाप करते सकते हैं। प्रतिदिन आप एक माला जप सकते हैं, 108 बार जप सकते हैं, जिससे कि देवी की कृपा लगातार आपके साथ जुड़े रहे और उनके मंत्र की शक्ति से आपके शरीर में ऊर्जा और शक्ति और आपका स्वास्थ्य जो भी है सब कुछ ठीक तरीके से चले और आपके शरीर में ऊर्जा जागृत हो, आपके शरीर के जो चक्कर हैं वह जागृत हो जाए, आप में एक शक्ति आ जाए और माँ काली की आपको सवारी भी आ सकती है। यदि आप इसके बारे में मंदिर में जिससे मैं भोग देने जाते हैं तो आप माँ काली से हाथ जोड़कर कीजिए कि हे माँ मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और मुझे आपकी सवारी चाहिए, मुझे अपने कार्य के लिए या किसी लोगों के भले के लिए आपकी शक्ति की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपकी कृपा की ज़रूरत है, तो आप मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए, आइए और सवारी लीजिए। अगर सवारी लेनी है तो आपको 11 शनिवार तक लगातार यह प्रयोग करना है, जिसके बाद देवी काली प्रसन्न होकर आपके शरीर पर आती हैं और अपनी शक्ति से अन्य लोगों का भी भला करने लग जाती हैं। आपका घर एक मंदिर बन जाता है, वहाँ पर दीन दुखी आते हैं और अपने कष्ट मिटाकर जाते हैं आपको दुआएं देते हुए। तो यह होती है देवी काली की शक्ति। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।